झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास अपने 3 दिवसीय कार्यक्रम के तहत दुमका पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने तालझरी के बाद प्रसिद्ध वासुकीनाथ धाम पहुंचकर बाबा भोलेनाथ के दर्शन किए और उनसे राज्य के विकास में फैले आसुरी शक्ति के विनाश के लिए आशीर्वाद मांगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस सरकार में 9 महीने में यह सरकार जन विरोधी, किसान विरोधी, महिला विरोधी और विकास विरोधी, इस सरकार को जनता सबक सिखाएगी दुमका और बेरमो के उपचुनाव में भाजपा को जीत दिलाकर। 3 दिवसीय कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री आज दुमका, कल दलाही और रविवार को गादो में लोगों के साथ मिलकर चुनाव के लिए भाजपा का समर्थन के लिए आह्वान करेंगे। दुमका जाने के कार्यक्रम में बाबा बैद्यनाथ और फौजदारी बाबा का दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ और आज मैं बाबा बैद्यनाथ धाम और फौजदारी बाबा का आशीर्वाद लेकर कि इस राज्य में जो असुरी शक्ति है, असुरी शक्ति को इस राज्य से मुक्ति मिले और इस मुक्ति मानने का मार्ग प्रशस्त जो झारखंड में 2 जगह विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, दुमका और बेरमो में, और 9 महीने में जिस तरह इस सरकार ने जन विरोधी, किसान विरोधी, महिला विरोधी, विकास विरोधी, इस सरकार के खिलाफ जनता दोनों उपचुनाव में जनादेश देगी और इस सरकार को चेताने का काम करेगी कि जो लोक लुभावने वादे आपने चुनाव 2019 विधानसभा चुनाव में किए थे, उन वादे को पूरा करने का काम आप करें।